प्रिय साथियों, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। और महामैराथन के पार्ट टू में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम बढ़ते हैं गणित के महामैराथन पार्ट टू की ओर। पार्ट वन में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व कराया था, और इस पार्ट में, पार्ट टू में 18 से हम आगे की ओर सॉल्व कराएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। अतः आप इन प्रश्नों को अवश्य देखें, इनका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आगे के क्रम में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 होगा, जस्ट मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 है, आनुपातिक अभिव्यक्ति एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का निम्नतम रूप क्या होगा? चलिए, इसका निम्नतम रूप हमें बताना है। तो देखिए, हमें इसको निम्नतम रूप का मतलब है, हम इसको विस्तार करके शॉर्ट फॉर्म में बना दें, जो कटे उसको काट देंगे तो अपने ये निम्नतम रूप में आ जाएगा। तो देखिए, कटेगा या काटेंगे कैसे, उसके लिए हमको ध्यान देना है कि पहले ऊपर है एक्स क्यूब माइनस वन और नीचे है एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स क्यूब माइनस वन को हम थोड़ा सा फॉर्मूले के द्वारा तोड़ लें। तो एक्स क्यूब माइनस वन जो है, इसको हम एक्स क्यूब और माइनस वन क्यूब समझ लें, और नीचे जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर समझ लें। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे आगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये हो गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होगा ए माइनस बी, और ए स्क्वायर, ए मीन्स पहला, ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी, और ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ए बी मीन्स एक्स इंटू वन। एक्स इंटू वन का मतलब है एक्स गुणा एक मीन्स एक्स, और प्लस वन का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर मीन्स वन, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो ए ये है, बी ये है, हमने लिख दिया। अब देखेंगे जो ऊपर से नीचे कट जाएगा काट देंगे, क्योंकि ये भी गुणा में है और ये भी गुणा में, इसलिए काट सकते हैं हम। इसके बाद जो आएगा, जो शेष बचेगा, वो इस प्रकार से होगा, और आपका यही संक्षिप्त रूप है इसका। आपको आंसर मिल गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। किसी गोले की त्रिज्या, किसी गोले की त्रिज्या आपको बताना है गोले की त्रिज्या, आपको बताना है गोले की त्रिज्या क्या होगी जिसका आयतन और क्षेत्रफल बराबर हो। तो गोले की त्रिज्या आपको बतानी है जिसका क्षेत्रफल और आयतन बराबर हो। तो आप लिखेंगे गोले का आयतन बराबर गोले का क्षेत्रफल, ये आपके प्रश्न के अनुसार है। गोले का आयतन बराबर गोले का क्षेत्रफल, ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा है। तो चलिए गोले का आयतन इक्वल टू गोले का क्षेत्रफल, लेकिन त्रिज्या क्या होगी ये आपको अब बताना है। इन्हीं से, चूंकि कंडीशन आपको यही दी गई है कि जिसका आयतन जो है क्षेत्रफल के बराबर हो, तो आयतन हमने क्षेत्रफल के बराबर कर दिया। तो आयतन का फॉर्मूला ये है और गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना है त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या के लिए हम त्रिज्या को ही एक तरफ अलग ले आएंगे। हमने आपको बताया था कि जो आपको ज्ञात करना रहेगा वो हम एक इक्वल के एक तरफ अलग उसको कर लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं, हमें ज्ञात करना है त्रिज्या, तो हम त्रिज्या को एक तरफ करें और देखिए कैसे करेंगे। ये 4/3 pi इंटू है यहां, तो हम आर क्यूब को अगर यहां रखते हैं और आर स्क्वायर को इसके नीचे ले आते हैं इस प्रकार से, तो यहां बचेगा 4 pi अपॉन, ये क्या है 4/3 pi, ये जो है इतना पार्ट जो है नीचे चला आएगा 4/3 pi। समझ में आ रहा होगा, आसानी से समझ रहे होंगे आप। अब क्या करेंगे, फोर्स ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जब हम देखिए, मैंने आपको समझाया था कि घात के मामले में हम देखते हैं कि बेस सेम होना चाहिए, और यहां बेस जो है आपको सेम दिखाई दे रहा है, यहां भी आ रहा है। जब बेस सेम हो तो हम गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी कर सकते हैं, और घातांकों में भाग में क्या करते हैं हम, जब बेस सेम है तो घात घट जाती है। तो बेस सेम है तो हम घात घटाएंगे, आर क्यूब माइनस 2 ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा, और क्या बचेगा ये 4, ये अपॉन है, अपॉन के नीचे फिर अपॉन है तो इनटू, और इस पार्ट को हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 4 भी कट गया। तो देखिए 3 में से जब 2 आप माइनस करेंगे तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3,
आपको यही निकालना था कि रेडियस क्या होगा, गोले की त्रिज्या क्या होगी, गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 3। मिल गया आपको। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए 3 जो है हम यहां, चूंकि यहां ना सेंटीमीटर ना मीटर ऐसा तो कुछ दिया नहीं था, तो इसलिए हम कुछ नहीं लिखेंगे, और ये 3 यूनिट या 3 इकाई हम लिख सकते हैं, 3 इकाई या 3 यूनिट इसका मात्रक, चाहे इकाई आप लिखें या यूनिट भी आप लिख सकते हैं, यूनिट भी होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट ही आपको मिलेंगे, तभी इसका नाम महामैराथन है। आप देखेंगे कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का इसमें संग्रह किया गया है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और बहुत तेजी से भी हमको काम करना है क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा करना है, तो जल्दी जल्दी हम निपटाएंगे, तो आपको भी बढ़िया रहेगा, आपके लिए भी, और आसान रहेगा कि आप जल्दी जल्दी इसको सीख पाएं। चलिए देखते हैं संख्या, संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान आपको बताना है। तो देखिए स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू एक ही चीज है। स्थानीय मान हिंदी में है और प्लेस वैल्यू उसकी इंग्लिश है। तो इसका प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान बताना है, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे, ध्यान ये देना है कि दशमलव के पहले जो रहते हैं अंक वो पूर्ण अंक होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और जो दशमलव के बाद होते हैं वो भिन्न में होते हैं। बस इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो जो पूर्णांक होंगे, जैसे आपने प्लेस वैल्यू सीखा था कि अगर इस प्रकार से इसमें अगर 3 का प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो आप बताते थे 3×1 लिखकर इसके बाद जितने अंक हो दाहिनी ओर, एक अंक है तो 10, इसका स्थानीय मान होता था 30। तो आप क्या करेंगे, ये तो पूर्णांक है, दशमलव इसमें नहीं है, लेकिन जब दशमलव की बात आ जाती है तो आपको ध्यान ये देना है कि यही चीज जो आप यहां गुणा कर रहे थे अब वही भाग में हो जाएगा, बस इतना अंतर हो जाना है और कुछ नहीं। तो अब देखिए हमें 2 का बताना है, तो देखते हैं हम 2 का स्थानीय मान, इस 2 का, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2/ कितना, 2 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है, तो सॉरी मैंने थोड़ा गलत कर दिया, 2/ नहीं करना है, हमें 2 का स्थानीय मान बताना है। तो चलिए 2 का स्थानीय मान मतलब ये कौन से स्थान पर है, तो देखते हैं इसका स्थान कौन सा है, पहला, दूसरा और तीसरा। इस प्रकार से आप देखेंगे दशमलव के बाद दाहिनी ओर जितने अंक हो, दशमलव के बाद दाहिनी ओर जितने अंक हो, जैसे देखिए इसमें आप देख रहे थे कि आपने पूर्णांक लिखा और 1 लिखकर आप क्या करते थे, 0 लिखकर, और कितने 0 लिखते थे, दशम, ये इसके बाद दाहिनी ओर जितने अंक होते थे। यहां क्या करेंगे, 1/ करके जो इस प्रकार से 1 लिखकर जो अंक, ये अंक जिस स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो 3, 0, ये तो 2 का जो स्थानीय मान होगा वो 1/1000 होगा। और अगर यही चीज अभी इस प्रकार से लिखा होता और 2 का स्थानीय मान पूछा जाता तो फिर 2 लिखकर 1, 2, 3, 0 चाहे लिखते ऐसे ही डायरेक्टली, या चाहे हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते थे, 2 लिखकर, ये तो देखिए स्थान अगर बताना था तो 1000वां ही स्थान होगा, 2×1, और इस प्रकार से हम 3,
स्थान जो है इसका हजारवां बताएंगे, लेकिन स्थानीय मान करेंगे तो दो से गुणा करके हमें बताना पड़ेगा। तो देखिए इसके बाद जितने अंक हैं चाहे उतने जीरो लिखे हैं, चाहे वन लिखकर उतने जीरो लिखे हैं, तो भी वही होगा। कैलकुलेशन जब आएगा तो टू वन जा टू और उसके बाद ये तीन जीरो हो जाएगा। तो हमें यही ध्यान देना था कि दशमलव की यदि बात आ गई है तो ये भिन्न में है, ये पूर्णांक नहीं है, और भिन्न में है तो इसको भिन्न में बनाना है। माइंड में यही रखिए बस कि भिन्न में है तो भिन्न में करना है, और भिन्न में क्या करना है, वन लिखकर उतने ही जीरो कर देने हैं जितना दशमलव के बाद दाहिनी ओर अंक हो, जिस स्थान पर वो अंक है जिसका हमें स्थानीय मान बताना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दें। क्वेश्चन है 50 को आधे से विभाजित करो, 50 को आधे से विभाजित करो तथा 20 जोड़ो, तथा 20 जोड़ो। इसमें से 35 घटाओ तुम्हें क्या प्राप्त होगा, या क्या प्राप्त होगा यह आपको बताना है। चलिए देखिए यहां सिर्फ ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में जो कह रहा है हमें वही करना है, इसलिए मैंने आपको बार बार ये समझाया था कि हमेशा आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करें। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, पहले 50 को आधे से विभाजित करो। अब ध्यान ये देना है, आप लोग गलती कहां करेंगे, आप लोग गलती करेंगे कि 50 को आधे से विभाजित करना है तो आप 50 का आधा करने लगेंगे, जबकि ऐसा उसमें कह नहीं रहा है कि 50 को इसके आधे से विभाजित करो, ऐसा नहीं कह रहा है। तो आपको ध्यान यही देना है कि क्वेश्चन में जो कह रहा हमें वही करना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 50 को आधे से विभाजित करिए। तो 50 ले लीजिए और उसको आधे से विभाजित मींस भाग देना, कितने से, आधा मींस 1/2। तथा 20 जोड़ो, इसके बाद आप 20 जोड़ दीजिए, जो आए फिर क्या करना है, इसमें से 35 घटाना है, आप 35 घटा दीजिए, आपका क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब आप बोर्ड मास का यूज कर लीजिए, बोर्ड मास में आपने पढ़ा है पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर उसके बाद बी ओ डी उसके बाद एम, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, और देखिए उसी क्रम में हमें करना है, उसके बाद ए फॉर फिर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहां हम देखें हमें क्या मिल रहा है पहले, या आप एक और तरीका है इसको याद करने का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को देव घटाए, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो का को पहले काटिए तो इसमें का है ही नहीं, वही आप है नहीं इसमें, ता पीछे दो भाग उसके बाद भाग दीजिए, तो भाग हमें मिल रहा है तो पहले भाग की प्रक्रिया कर ले। और देखिए यही चीज बोर्ड मास में भी है, पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं, फिर उसके बाद ऑफ, ऑफ मींस का की के ये भी नहीं है, डी फॉर डिवीजन, और डिवीजन हम देखेंगे यहां मिल रहा है तो पहले डिवीजन कर देंगे, डिवीजन हम करेंगे, और डिवीजन जब अपान में हो इस प्रकार से
वन अपॉन टू से डिवाइड करना हो तो हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई में बदल सकते हैं। 50 इंटू मल्टीप्लाई जब कर देंगे, जब डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं तो जो पार्ट होता है इधर वाला इसको क्या करेंगे उल्टा कर देते हैं 2/1 इस प्रकार से, और उसके बाद फिर 20। अब देखिए ये चेंज हो गया, डिवाइड जो था वो मल्टीप्लाई में हो गया है, और अब डिवाइड के बाद क्या करना है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन आप कर लीजिए 50 × 100, 50 × 100, नीचे एक अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और प्लस 20 − 35। आप क्या करेंगे इसके बाद, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद एडिशन आप ऐड करेंगे, ऐड करने में आप क्या करेंगे प्लस वाले को प्लस वाले में जोड़ेंगे, ये प्लस है यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस 100 है और प्लस 20 है तो 120 ये हो गया, और उसके बाद −35। उसके बाद लास्ट में क्या करना है आपको सब्ट्रैक्शन, आप सब्ट्रैक्शन कर दें, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे घटा देंगे, 120 में से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ आप 10 हो गया, 10 में से जब 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और यहाँ 1 बचा, 1 में से ये घटेगा नहीं तो फिर ये 11 है, और 11 में से 3 घटाएंगे तो 8। इस प्रकार से आंसर आपको मिल गया 85 आपका आंसर आ गया है। क्या ज्ञात करना था आपको, बस यही सॉल्व करके आपको ज्ञात करना था, 85 आपका आंसर आ गया है, आपको आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। देखिए एक अलग तरीके का एक क्वेश्चन बताते हैं जो रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथ में भी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 22 है इस प्रकार से, आप एक स्क्वायर बॉक्स बना लें, वन टू थ्री और फोर पार्ट में इसको बांट लें, और ऐसे भी इसके फोर पार्ट कर लें, 2, 3, और 4 पार्ट हो गए। चलिए अब देखिए 7, 5, 9 और 18 है, और दूसरा क्या है 6, 3, 7, 21 है। यहाँ हमें बताना है कि क्या होगा 4, 3, 9 और 7, 4, 8, 24। चलिए देखिए इसको सॉल्व करना है आपको, आपको बताना है कि जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है क्वेश्चन मार्क यहां पर क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी पूछा जाता है और मैथ में भी। तो देखिए हम इसको कैसे बता पाएंगे, तो आप रीजनिंग अगर आपने पढ़ा है तो आपको माइंड में आएगा, कुछ इसमें दिमाग लगाना होगा कि क्या कैसे हुआ होगा। आप इस लाइन को, जिस लाइन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसी लाइन को क्लियर करें पहले, तो आपको कुछ समझ में आएगा, इसमें 18 आ रहा है, इसमें 21 आ रहा है और इसमें 24 आ रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, और फिर उसके बाद उसके जो सहयोगी अंक हैं, इसके जो सहयोगी अंक ये हैं आप इनको देखेंगे कि इनसे इसमें कुछ तो नहीं बन रहा है और कोई रिलेशन हो इनका, यही आपको चेक करना है। तो चलिए देखिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, जल्द बताएंगे इसको, चूंकि समय अगर ज़्यादा खराब होगा तो फिर आपका नुकसान होगा। चलिए देखते हैं हम, देखिए 7 में से 5 यदि माइनस करें, 7 में से अगर 5 माइनस करें कितना बचेगा 2। 7 − 5 = 2 × 9 = 18। इस प्रकार से ये प्राप्त हुआ पहला वाला, ये वाला। इसी प्रकार से हम देखेंगे 6 − 3 = 3 × 7 = 21, और अब थर्ड वाला आप देख लेंगे 4 − 3 = 1 × 9 = 9 होना चाहिए, और अगला भी देख लीजिए क्या ऐसा है, 7 − 4 = 3 × 8 =
24, तो ये परफेक्ट जो हमने तरीका अपनाया, इस तरीके से हमको सारे आंसर मिल रहे हैं, इसका मतलब ये होना चाहिए यहां पर। तो जो राइट ऑप्शन होगा इसके लिए वो 9 होगा। यहां पर क्या होना चाहिए? 9 होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। मैंने आपको कहा था कि हमारे इस महामैराथन में जो लिए गए जो क्वेश्चंस हैं वो सब प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, और वैसा ही है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि कर दी जाए, किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि कर दी जाए। तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, भिन्न का हर क्या होगा? भिन्न का हर क्या होगा? देखिए, इसमें भिन्न का हर भी पूछ सकता है और भिन्न का अंश भी पूछ सकता है और भिन्न भी पूछ सकता है क्या होगा। तो चलिए आप जो देखिए, इसमें जो पूछ रहा है हर पूछ रहा है क्या होगा, तो आपको हर बताना है, लेकिन अगर अंश पूछता तो अंश बता देंगे, और अगर भिन्न पूछता तो आप भिन्न भी बता देंगे अंश और हर को मिलाकर। तो देखिए, हमें चाहे भिन्न पूछे, चाहे अंश पूछे या हर पूछे, करना वही है। चलिए हम देखते हैं, किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि कर दी जाए। तो आप पहले मान लें कि माना भिन्न का अंश इज इक्वल टू एक्स और हर इज इक्वल टू वाई। तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा एक्स बटा वाई। इसको आगे सॉल्व करते हैं। भिन्न का अंश जो है एक्स है और हर वाई है, तो भिन्न हमारा एक्स बटा वाई हो गया। और अब जो है हम जो कंडीशन दी गई उसके अनुसार करेंगे काम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमें क्या दिया गया है? अंश में यदि 4 जोड़ दिया जाए, तो अंश हमारा एक्स है, उसमें यदि 4 जोड़ दिया जाए तो भिन्न तो ये हो गया 4 जोड़ने पर। यदि ऐसा कर दिया जाए तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है। किसमें? भिन्न में। तो भिन्न ये है, इसमें वृद्धि हो जाती है किसकी? 2/3 की। हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे और एलसीएम ले लेंगे। तो 3 और y का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 3y, और ये x प्लस 4 जैसे लिखा हुआ है अपॉन y, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और ये हो जाएगा 3 से x में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस y से 2 में हो जाएगा 2y हो जाएगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3xy प्लस 3×4=12y इक्वल टू, वाई से इसमें करें तो 3xy प्लस वाई से इसमें करेंगे तो 2y² ये हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लें और xy को xy की तरफ ले आए,
या इन सब को हम एक ही तरफ कर लें, तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा ये, या इनको हम उधर लेते चलें, कहीं भी कुछ भी करें, चाहे उनको इधर ले जाएं चाहे इनको उधर ले जाएं, बात वही है। तो चलिए हम यहाँ वाई स्क्वायर जो है प्लस में है, तो हम इधर ही इन सब को इधर ही ले आते हैं। चलिए देखते हैं क्या होगा। पहले बड़ी घात को लिख देंगे 2y², उसके बाद प्लस 3xy है, और जब इसको उस तरफ ले जाएंगे इक्वल के तो -3xy, और ये भी उधर जब जाएगा तो -12y, और बचेगा क्या फिर इधर, ये वो तो सब उधर चले गए तो बचा कुछ नहीं, जीरो बचा, इक्वल टू जीरो। अब चाहे इक्वल टू जीरो इधर लिख लें, या चाहे इसी इक्वेशन के इक्वल जीरो चाहे यहां कर लें, बात वही है, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम देख लें वाई स्क्वायर वाला कहीं कुछ और है इक्वेशन में, नहीं है तो इसको वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 3xy से 3xy घट गया, कट नहीं गया, ये घट गया, 3xy में से 3xy घटा दिए तो ये खत्म हो गया, इसी खत्म होने के लिए हमने इसको काट दिया कि आपको पता चल जाए कि ये नहीं है। तो बचा क्या, -12y इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे, अब जो है 2y² और इक्वल टू इसको उधर लेते जाएं तो ये पॉजिटिव बन जाएगा इतना 12y, और जब y इक्वल टू जब निकालेंगे हम तो ये 12 इसके नीचे आ जाएगा, 2y² / 12 ऐसे हो जाएगा। चलिए हमने ऐसा जो किया इसको ऐसा ना करके इस प्रकार से कर लिया जाए, ये भी आप मत करिए। चलिए दूसरे तरीके से आपको बता देते हैं, आप 2y दोनों में कॉमन ले लीजिए, 2y आपने दोनों में कॉमन लिया, बचा क्या y-6। देखिए 2y कॉमन लेने का मतलब है 2y से इसको भाग दे दीजिए, 2y से भाग देंगे तो 2 से 2 को भाग देंगे खत्म हो गया, y से इसको भाग देंगे तो एक घट जाएगा और y बचेगा, -2y से इसको करेंगे 2 6 12, y से y कट गया भाग दे दिए खत्म हो गया, इक्वल टू जीरो। अब देख लीजिए, अब एक बार हम लिख सकते हैं कि 2y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू जीरो। और यदि हम ले y-6 = 0 तो y = +6, तो y की जो वैल्यू आई वो आई 0 या 6, और y क्या है, हर है, तो y की वैल्यू आ गई 6। इसको इस तरह से कर सकते हैं, या फिर जो तरीका दूसरा है आप दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं। चलिए दूसरे तरीके से इसको हम बता दें, यहीं से बता देते हैं इसको, देख लीजिए आप, तो 2y = जब यहां से करेंगे तो उधर क्या है, जीरो है, तो 0/ ये y-6, अब जीरो में इतने से भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा, और y = भी 0/2 तो 0 हो जाएगा। और यदि y-6, देख लीजिए हम आपको सब तरह से इसको बता दे रहे हैं, लेकिन 0 होगा नहीं क्योंकि हर 0 हो जाएगा तो भिन्न नहीं बनेगी। तो अब क्या करेंगे हम, अब जो है y-6 = 0/2y कर दें तो y-6 = 0 हो जाएगा, और y = -6 को जब उस पार ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। और या तो आप जो है 2y² - 12y था, आप इसको एक और तरीके से भी हल कर सकते हैं, 2y² - 12y = 0, तो 2y²
इज इक्वल टू 12y और y स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू 12/2 और 2 6 12 और y से जब इसको भाग देंगे तो स्क्वायर कट जाएगा तो y बचेगा, y इज इक्वल टू 6। देखिए इतना आपको मंथन करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ इसलिए बताया कि इसके बाद यदि आप फंस जाएं तो समझ में ना आए क्या करें तो आप ये सब कर सकते हैं। और तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि 2y² अगर इतना आ रहा है तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लें और आप आराम से y से जब ये कट जाएगा स्क्वायर तो y इज इक्वल टू 6 आ गया, y की वैल्यू 6 आ गई। तो हमने इसलिए बताया कि आप कहीं फंस जाएं सवाल में तो आपका उस समय विवेक काम ना करें, हम क्या करें, तो आप सब तरह से उसको सॉल्व करना समझ लें कि हम आंसर तक पहुंचेंगे और सबसे अच्छा ऑप्शन ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, काफी समय इसमें लग गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x-1 कॉमा x²-1 और x³-1 का मासा ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो मासा के लिए हम क्या करें, सबका अलग अलग फैक्टर कर लें। x-1 का यदि फैक्टर करेंगे तो आएगा x-1 × 1। अब x²-1 का कर लें, x²-1 का अभी ही मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में, कि x²-1 का मतलब है x²-1 का स्क्वायर और इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, x+1 x-1 × 1 हो जाएगा इस प्रकार से। थर्ड क्या है आपका, x³-1, इसका यदि आप फैक्टर करते हैं तो x-1 x² + x + 1 अभी आपने सॉल्व किया था उसमें ये आया था। तो देखिए मासा जो होता है, मैंने आपको समझाया था कि मासा क्या है, मासा वो है जो सब में कॉमन हो, वही मासा है। तो सब में कॉमन क्या हो रहा है, x-1 आपको मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, और 1 तो सब में मिल ही रहा है × 1। तो x-1 × 1 मीन्स x-1 इसका मासा हो जाएगा। चलिए x-1 इसका मासा आ गया, आपको मासा ज्ञात करना था वो हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, मासा से संबंधित या लासा से संबंधित कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे आपके परीक्षा में। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, 5 संख्याओं का माध्य 26 है, 5 संख्याओं का माध्य 26 है, यदि एक संख्या निकाल दी जाए, यदि एक संख्या निकाल दी जाए तो
उसका माध्य 24 हो जाता है। निकाली गई संख्या बताइए, निकाली गई संख्या आपको बताना है कि जो संख्या निकाली गई वो कितना था। तो देखिए, मैंने आपको जब माध्य वाला चैप्टर जब आपको पढ़ाया था सांख्यिकी का, तो उसमें मैंने बताया था कि माध्य जो है ये क्या है, औसत ही है, अपने दिमाग में रखिए। तो चलिए देखिए, पांच संख्याओं का माध्य यदि 26 है तो पांच संख्याओं का योगफल क्या होगा। पांच संख्याओं का माध्य जो है वो कितना है, 26। तो पांच संख्याओं का योगफल क्या होगा, 26 इंटू फाइव। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 5 6 30 का 0 हासिल 3, 5 2 10 और 3 13, 130 हो जाएगा। अब कह रहा है अगले बार क्या है आगे, यदि एक संख्या निकाल दी जाए, हम कह रहे हैं कि संख्याएं कुल कितनी है, 5 है, एक संख्या यदि निकाल दी जाती है तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 4। एक संख्या निकालने के बाद, एक संख्या निकालने के बाद, राइटिंग पर आप मत जाइएगा इसलिए जल्दबाजी में, थोड़ा सा राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बनेगी लेकिन आप समझ लेंगे। एक संख्या निकालने के बाद माध्य कितना हो रहा है, 24। तो एक संख्या जब हम निकाल देंगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी, फिर 4 संख्या हो जाएगी। तो वही आपको लिखना है, 4 संख्याओं का माध्य बराबर 4 संख्याओं का योगफल, 4 संख्याओं का योगफल कितना होगा, 24 गुणा 4। कर लीजिए इसको, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दुना 8 1 और 9 96 हो जाएगा। तो आप ये बताइए, 5 संख्याओं का योगफल इतना है और 4 संख्याओं का योगफल इतना है, तो वो पांचवी संख्या क्या थी वो आपको बताना है। तो आप लिखेंगे, निकाली गई संख्या बराबर, निकाली गई संख्या बराबर 5 अंकों का योगफल माइनस 4 अंकों का योगफल। ये सब आपको लिखना नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आए कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या हो रहा है। आपको तो सिर्फ समझ लेना है और डायरेक्ट बस कर लेना है, इसको गुणा करके उसको गुणा करके आप बस घटा देंगे, 130 माइनस 96। चौंतीस आ गया, तो वो संख्या क्या थी, 34 थी जिसे निकाला गया, निकाली गई संख्या क्या हो गई, 34। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कुछ ये नहीं समझा जा सकता कि ये कम सही है, इसमें तो जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ये सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा के लिए। इन्हीं तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे, निश्चित तौर पर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, एक प्लाट की चौड़ाई 44 फीट है। प्लाट की चौड़ाई मैं ऐसे ही लिख देता हूं, कितनी है, 44 फीट।
और लंबाई कितनी है? लंबाई है 90 फीट। आपको ज्ञात क्या करना है? आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल बताइए कितना होगा? तो देखिए, आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको एक चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें जो आंसर दिया गया है, जो ऑप्शन दिए गए हैं, वो है ऑप्शन नंबर ए जो है 500 वर्ग गज, जो बी ऑप्शन है 440 वर्ग गज, और सी जो ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन है 450 वर्ग गज, और जो डी ऑप्शन है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये वैसे तो बहुत आसान लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन अब थोड़ा टफ हो गया। आपको गज का ध्यान देना है, आपको गज में आंसर देना है। तो आप करेंगे क्या, आप पहले ही इसको गज बना लें, सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है। आप लिखेंगे चूंकि 3 फीट बराबर 1 गज, यही आपको मेन ध्यान देना है पूरे क्वेश्चन में। 3 फीट बराबर 1 गज, तो फिर चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई बराबर 44/3 गज, और लंबाई कितनी हो जाएगी? 90/3 गज। 90/3 का मतलब 30 तिहाई 90, तो 30 गज, और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, और 44 लंबाई, सॉरी कुछ भी लिखें पहले, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, लंबाई जो है कितनी है? 30 गज इंटू, देखिए आप इसको लिखने लिख भी लीजिए, आप समझ लीजिए जरा कि क्यों हो जाता है वर्ग गज। 30 गज गुणा चौड़ाई कितना है? 44/3 गज। चलिए आप गुणा कर लीजिए, तो गुणा है और ये अपान में नीचे है, तो हम इससे इसको काट सकते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 30। इस प्रकार से 10 गज से 44 गज में गुणा करेंगे, तो 10 से जब 44 में करेंगे तो 440 हो जाएगा, और गज गुणा गज बराबर हो जाएगा गज का स्क्वायर, या इसी को हम वर्ग गज भी लिख सकते हैं, 440 वर्ग गज। अब आप देख लीजिए, गज का क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर क्यों हो जाता है? दो बार वही चीज वही मात्रक रहता है, तो वही इकाई जब दो बार रहेगी तो गुणा करने पर क्या हो जाएगा? गज का स्क्वायर या वर्ग गज हम उसको लिख सकते हैं, 440 वर्ग गज हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 अब हम लेंगे, और बहुत तेजी से मैं आपको सॉल्व करवाना चाह रहा हूं क्योंकि समय कम है, और जितना आपको मैं अधिक से अधिक दे सकूं मैं दे दूं, और इस दिए गए ज्ञान से आपको लाभ मिल जाए ताकि आप अधिक से अधिक अंक ला सकें, तभी हमारी मेहनत सफल हो पाएगी, अन्यथा ये सब बेकार है जो हमने किया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेमी है। एक आयताकार सीट का क्षेत्रफल बराबर 480 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेमी है, यदि यदि इसकी चौड़ाई 12 सेमी है,
तो सीट का परिमाप क्या होगा? तो सीट का परिमाप क्या होगा? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और आसान है बिल्कुल। चलिए देखिए, हमें आयताकार सीट का क्षेत्रफल दिया गया है और इसकी चौड़ाई दी गई है। तो देखिए, आयताकार सीट का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। सीट का क्षेत्रफल कितना है? 480 वर्ग सेमी, और लंबाई कितनी है? 12 सेमी। हमें चौड़ाई, सॉरी, इसकी चौड़ाई दी गई है 12 सेमी। चौड़ाई 12 सेमी दी गई है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई के जगह पर 12 सेमी। चलिए, हमें पहले लंबाई निकालना है। मैंने कहा था जो आपको निकालना रहे उसको आप एक किनारे रखें इक्वल के एक तरफ, और दूसरी चीजों को आप दूसरी ओर ले आएं। तो 480 सेमी स्क्वायर अपॉन 12 सेमी। ध्यान आपको देना है कि जब गुणा में कोई चीज साथ में रहेगी तो वो दूसरी ओर भाग में चली जाएगी, और यहां प्लस में या माइनस में रहेगा तो दूसरी ओर साइन चेंज करके जाएगा। यही ध्यान देना है, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। इसका विशेष ध्यान देना है, जब गुणा में होगा तो ये हमेशा भाग में जाएगा नीचे की ओर, और जब यहां प्लस या माइनस में होगा तो दूसरी ओर उसके साइड में प्लस या माइनस में, अगर प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में पक्षांतर होकर आ जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो यहां गुणा में है इसलिए भाग में हो जाएगा, और सेमी से स्क्वायर कट जाएगा, और 12 से इसको भाग देंगे, 12 एक कम 12, 12 चौक 48 और 0 40। तो लंबाई आ गई 40 सेमी। 40 सेमी कम समय में, मैं आपको सोचता हूं कि कम समय है तो भी मैं आपको अच्छी तरह से बताऊं। चलिए देखिए, 40 सेमी इसकी लंबाई आ गई है। अब हमें निकालना क्या था? सीट का परिमाप। और परिमाप बराबर क्या होगा? चूंकि यह आयताकार है तो आयत का परिमाप बराबर होता है क्या? 2 × L + B, मतलब 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 2 लंबाई 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। देखिए, ऐसा होता है आयत का स्वरूप, आयत का जो स्वरूप होता है वो ऐसा होता है, मतलब ये लंबाई इसके बराबर होती है और ये चौड़ाई जो होती है इसके बराबर होती है। तो देखिए, 2 चौड़ाइयां एक जैसी होंगी और 2 लंबाइयां एक जैसी होंगी, तो 2 से गुणा करेंगे 2 लंबाई धन 2 चौड़ाई। अब 2 से कॉमन बाहर कर लिया तो 2 बाहर आ गया, लंबाई धन चौड़ाई, इसीलिए यह फार्मूला आपका बना है। और परिमाप मीन्स होता है चारों भुजाओं का योग, तो 4 भुजा में 2 समान है तो 2 भुजा धन 2 भुजा, तो ये ऐसे ही होता है। तो आप फार्मूला जो बना, क्यों बना, वो मैंने आपको समझा दिया। चलिए देखिए, 2 लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई कितना है 40 और धन चौड़ाई कितना है 12, दोनों सेमी में है तो सेमी। चलिए, 40 और 12 कितना हो गया 52, 52 से 2 में गुणा करेंगे, इस प्रकार से आप देख लीजिए, ये 52 हो गया, और यहां कुछ नहीं है तो गुणा का साइन है, और 2 × 4 और 2 × 5 = 10, 104 सेमी। ये आपका परिमाप आ गया। हमें इस क्वेश्चन में परिमाप ही बताना था और आपका परिमाप मिल गया। परिमाप कितना आया? 104 सेमी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, पहले हम बोर्ड साफ कर लें। देखिए, मैं इसमें सभी तरह के प्रश्नों को लेकर आ रहा हूं ताकि आपका कोई भी पार्ट छूटने ना पाए जो आपके परीक्षा से संबंधित हैं। मैं चाहता हूं आपको सब तरह के क्वेश्चन इसमें मिलें ताकि आपका पूरी तरह से रिवीजन हो सके। और क्वेश्चन नंबर 28 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है, 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक कार
22.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही एक कार पचास मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? आपको बताना है कि कितनी दूरी तय करेगी। चलिए देखिए, देखिए इसमें चाल जो दिया है वो कितना है, चाल या गति जो दी गई है कितना है, 22.5 मीटर प्रति सेकंड, और जो समय दिया गया है वो कितना है, समय बराबर 50 मिनट। तो हमें निकालना क्या है, दूरी निकालना है। फॉर्मूला आपने क्या देखा है, चाल बराबर दूरी बटा समय, आपने याद किया होगा फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है, दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय बराबर दूरी। हमें क्या निकालना है, कितनी दूरी तय करेगी। अब एक चीज थोड़ा सा यहां ध्यान देना है, ध्यान ये देना है हमें कि हमने आपको बताया था कि मात्रक जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए, तब हम गुणा भाग जोड़ घटाना करें। तो यहां देखिए क्या है, मीटर प्रति सेकंड है और यहां मिनट है, यहां सेकंड है और यहां मिनट है, तो ये डिफरेंस है। या तो आप दोनों को मिनट बनाएं या आप दोनों को सेकंड बनाएं। तो आप देखिए दोनों को सेकंड आप बना लें, ये सेकंड में है ही, इसको सेकंड बना लें। जब आप इसको सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से एक मिनट में कितना, 60 सेकंड, तो 50 मिनट में 60 गुणा 50 बराबर 5×6=30 और 1010, ये इतना सेकंड हो गया, में चेंज हो गया। अब ये सेकंड हो गया, क्या करना है हमें, हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल बराबर 22.5 मीटर प्रति सेकंड गुणा समय बराबर 3000 सेकंड। चलिए सॉल्व कर लीजिए, इससे इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड से ये सेकंड कट गया ऊपर नीचे, और इससे इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो गुणा जब करेंगे तो 1, 2, 3, 0 हम इसको ऐसे ही लिख लें, और 3 से इसमें गुणा कर दें, 3×5 15 का 5 हासिल 1, 3×2 6 और 1 7 और 3×2 6 दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो 1 अंक के पहले दशमलव यहां लग जाएगा, और इस प्रकार से इतना मीटर हो जाएगा 67,500 मीटर। अगर इसी को किलोमीटर में, आंसर में अगर ऑप्शन में आपको किलोमीटर में दिया है तो आप इसको किलोमीटर में बदल लेंगे। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, आप इसको किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, 1000 से आप भाग दे दीजिए। तो 1000 से जब आप भाग दे देंगे तो 1, 2, 3 आप देखिए ऊपर जो है दो ही जीरो दिए गए हैं, तो 2 0 से 2 0 आपने काट दिया, अब बचा कितना, 6, 7, 5/10। देखिए 10 का मतलब है 10,000 से अगर भाग देने की बात आ जाए तो जितना जीरो रहेगा उतना अंक पहले दशमलव आप लगा दें, बस कुछ नहीं करना है। तो कितना आ गया, 67.5 किलोमीटर, 67.5 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। ये जो मीटर में था, मीटर वाला किलोमीटर में बदल गया, इतना किमी आपका दूरी हो गया। कुल दूरी कितनी तय करनी है, 50 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, 67.5 किलोमीटर। तो आपको ऑप्शन को देख लेना है कि हमारा ऑप्शन जो दिया गया है
वो किलोमीटर में है कि मीटर में है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें उसको चेंज कर लेना है। चलिए आप अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हम लेंगे, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसमें तनिक भी लापरवाही ना करें, इनको ध्यान से देखें। 0.025 इक्वल टू, इसको आपको परसेंट में बदलना है कि ये कितना परसेंट बन जाएगा, और ऑप्शन जो है आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, तो इसका आपको परसेंट में इसको बदलना है, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.025 इंटू 100, जितना आएगा उतना परसेंट हो जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव को हटा दीजिए अभी, और कितने हैं, दो जीरो हैं, इसमें दो जीरो बढ़ जाएंगे, आपका हो जाएगा जीरो, देखिए दशमलव यहां लगा है, तो अभी तो ये जीरो, फिर दो, फिर पांच, फिर ये दो जीरो, अब दशमलव का अंक जो है, दशमलव के बाद यहां कितने अंक थे, एक दो तीन, तो यहां एक दो तीन अंक के पहले दशमलव लग गया, और इतना परसेंट हो जाएगा, मीन्स ये जीरो अब हट जाएगा, 2.50 या 2.5% आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर थर्टी है, राजीव ने एक किताब का 3/8 भाग पढ़ा, राजीव ने एक किताब का 3/8 भाग पढ़ा, बकाया किताब का 4/5 भाग बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, किताब में कुल कितने पृष्ठ थे आपको बताना है। चलिए पूछ रहा है किताब में कुल कितने पृष्ठ थे, क्वेश्चन में क्या दिया है, राजीव ने एक किताब का 3/8 भाग पढ़ा, अब कितने पृष्ठ थे ये तो हमको बताना है, तो जब हमको जानकारी नहीं है या जो पूछा जा रहा है या जो हमें बताना है हम उसी को मान लेते हैं। पूछ रहा है कि किताब में कुल कितने पृष्ठ थे, तो हम मान लें कि कुल उसमें x पृष्ठ थे, माना किताब में कुल
पृष्ठ थे बराबर एक्स। राजीव ने किताब का 3/8 भाग पढ़ा, तो राजीव ने पढ़ा कितना किताब का, तो किताब में पेज कितने थे एक्स, तो एक्स का मीन्स मल्टीप्लाई 3/8 भाग, मतलब 3x/8 भाग राजीव ने पढ़ा। बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, तो दूसरे दिन जो उस पहले बकाया आप निकाल लें, बकाया कितना बचा पेज, बकाया भाग बराबर कुल कितना था x था, उसमें से जितना पढ़ लिया है उसको हम घटा दें तो बकाया हमें पता चल गया इतना बकाया है अभी। भाई घटाने पर तो ही पता चलेगा ना कि कितना है, तो इतना बकाया है, लेकिन कह रहा है कि बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, तो दूसरे दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा बकाया किताब का मीन्स गुणा बकाया किताब का 4/5 भाग। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए हैं, मतलब इतना भी पढ़ने के बाद कितना बचा है 30 पृष्ठ बच गया है, तो भाई देखिए बकाया तो ये है और इसका इतना भाग दूसरे दिन पढ़ा, तो देखिए कह रहा है अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, तो हम क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जो बचा है वो कुल में से ही बचा है, और क्या करेंगे इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, या चाहे ऐसे ही रहने दें बाद में सॉल्व करते हैं, या सॉल्व कर लें थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो ये यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 8x-3x 8x-3x/8 बराबर हो जाएगा, 8 में से 3 जब घटाएंगे तो हो जाएगा 5x/8, ये यहाँ पर हम कर ले रहे हैं, चाहे ये ऐसे कर लें 8x-3x/5x/8 का 4/5 भाग। चलिए हो गया, कोई बात नहीं है। राजीव ने पहले दिन पढ़ा था इतना भाग, और बकाया जो था वो इतना था, उसका दूसरे दिन पढ़ा इतना भाग, और अब कुल कितने बचे, तो 30 पृष्ठ बचे हैं, तो शेष बचा भाग बराबर, या शेष पृष्ठ जो बचे हैं उसी को बताना है हमें, तो कुल कितना था x था, उसमें से घटेगा कितना 3x/8, और क्या घटेगा ये, इसको आप 4 1 4 4 2 8, तो 5 से ये 5 भी कट गया, तो x 1 x x 1 x/2 भाग, थोड़ा सा आसान हो गया, तो x/2 चलिए जो बचा है वो कितना है, किताब कह रहे हैं कि अब किताब का 30 पृष्ठ बच गए, तो कितना बचा 30, और इसको अब सॉल्व कर लें, क्योंकि हमारे जो हमने माना था उसके हिसाब से इतना बचना चाहिए, इसी को हम सॉल्व कर लें,
तो वो कितने के बराबर होना चाहिए, 30, चूंकि 30 पेज अब बचे हैं पढ़ने के बाद। तो चलिए आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो 8 ही आएगा, और ऐसे इसको सॉल्व करें तो देखें 8 और 2 का एलसीएम 8, 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 बार जाएगा तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, और प्लस 2 से इसको जब करेंगे तो 2 4 जाए 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x हो जाएगा, और x माइनस 4x और 3x 7x अपॉन 8 इज इक्वल टू 30। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें तो हो जाएगा 8x माइनस 7x अपॉन 8 इज इक्वल टू 30। 8x में से 7x जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x में 7x माइनस करेंगे तो x अपॉन 8 इज इक्वल टू 30। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 8 से 30 में गुणा करेंगे तो 8 1 24 और 0 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आ गया, 240। तो हमने x क्या माना था, किताब में कुल पृष्ठ x थे हमने माना था, तो कुल पृष्ठ कितने हो गए, 240 आपका आंसर हो जाएगा। जो इसमें पूछ रहा है किताब में कुल कितने पृष्ठ थे तो आप उत्तर में बताएंगे किताब में कुल 240 पृष्ठ थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसको पहले इरेज कर लिया जाए। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास भी किया है कि आपको मैथ का जो डर है वो खत्म हो जाए। आपने अगर मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे तो आपको मैथ काफ़ी आसान हो चुका होगा, यदि नहीं देखा है तो आप इतना ही देख लें, यही बहुत है, क्योंकि इसमें मैंने सारे क्वेश्चनों का समावेश किया है, सब तरह के क्वेश्चनों का। क्वेश्चन नंबर 31 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में एक आपको आकृति दी गई है और इसमें पूछा जा रहा है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो देखिए त्रिभुज कितने बन रहे हैं, आप इनको नाम दे दें, ए बी सी डी और ई। तो देखिए इसमें त्रिभुज कितने बनेंगे, चलिए ऊपर से देखना शुरू करिए, ए डी ई, ए डी ई एक है, ए डी ई दूसरा क्या है, दूसरा है डी सी ए या ए डी सी, ए डी सी, और तीसरा क्या है, तीसरा है डी ई सी, तीसरा है डी ई सी, और चौथा क्या है, चौथा है डी बी सी, डी बी सी, पांचवा क्या है, पांचवा बड़ा वाला त्रिभुज जिसके अंदर ये सब हैं, ए बी सी, ए बी सी। और आपको कुछ समझ में आ रहा है कहीं जो छूटा हो, ऐसा तो है नहीं, तो 1 2 3 4 5 पांच त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, पांच त्रिभुज हैं, बस इसमें यही बताना था कि कितने त्रिभुज इसमें हैं, आपको मिल गया कि इसमें कुल पांच त्रिभुज बने हुए हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, तो आप इसको भी लापरवाही ना करें, ध्यान से देख लें और समझ लें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32,
क्वेश्चन नंबर 32 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पांच पेंसिल का मूल्य यदि पांच पेंसिल का मूल्य रुपया 3 सही 3/4 है तो दो पेंसिलों का मूल्य बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक एक नियम से आप इसे सॉल्व कर लें, क्योंकि पांच पेंसिल का मूल्य बराबर 3 सही 3/4 रुपया, मतलब 4 × 3 = 12 15 15/4 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य, देखिए हम पहले एक पेंसिल का निकाल लेंगे, जब एक का निकल जाएगा तो चाहे जितने का निकाल लें। एक पेंसिल का मूल्य होगा बराबर, जब हमें ज्यादा का मालूम हो और एक का ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, जब ज्यादा का मालूम हो और एक का ज्ञात करना है तो भाग करेंगे, 15/4 और यही पांच जो है अगर भाग करते हैं पांच से तो ऐसे लिखेंगे हम, तो हो जाएगा 15/4 गुणा ये एक नीचे इसके मान लेंगे तो 1/5, मतलब हो जाएगा ये 5 × 5 और 5 × 15 3/4 रुपया। तो हमें ज्ञात कितने करना है, दो पेंसिल का मूल्य होगा बराबर 3/4। जब हमें एक का ज्ञात हो गया और ज्यादा का निकालना है तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमने गुणा कर दिया, 2 × 2 और 2 × 2 = 4, मतलब 3/2 रुपया, यह आंसर आ गया, दो पेंसिल का मूल्य 3/2 रुपया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी है आसान लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33। अगला क्वेश्चन है, एक मकान की पुताई पांच व्यक्ति आठ घंटे रोज काम करके तीन दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति चार घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा,
चलिए देखिए, इसके लिए आप जो है एक फॉर्मूला माइंड में रखें, एम वन एच वन डी वन इज इक्वल टू एम टू एच टू डी टू, एम फॉर मैन और एच फॉर आवर, डी फॉर डे, एम फॉर मैन एच फॉर आवर और डी फॉर डे। तो देखिए M1 कितना है 5 और H1 8 और D1 3 और M2 1 H1 H2 सॉरी H2 इज इक्वल टू 4 और D2 हमें ज्ञात करना है, D2 हमें ज्ञात करना है कितना है, कितने दिन में, कह रहा ना कितने दिन में, तो डी हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसी फार्मूले से हम कर लेते हैं, एम वन मीन्स इसी की जगह रखिए, ये सब इनटू में है इस प्रकार से, तो एम वन की जगह पर 5 इंटू एच वन की जगह पर 8 इंटू डी वन की जगह पर 3 इज इक्वल टू एम टू की जगह पर 1 और एच टू की जगह पर 4 और डी टू की जगह पर डी टू ही, आपको डी टू ही निकालना है, तो डी टू इज इक्वल टू जो निकालना रहता है उसको हम इक्वल के एक तरफ कर लेंगे और चीजों को दूसरी ओर, यहां देखो मैंने बताया सब मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा तो नीचे जाएगा, इस प्रकार से डिवाइड में हो जाएगा कितना 1 × 4, 1 × 4 था वो यहाँ आ जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10, 30, 30 डी टू इज इक्वल टू 30 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 30 दिन में ये काम एक आदमी 4 घंटे प्रतिदिन करके कर लेगा, तो आंसर आ गया 30 दिन। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 चलिए कुछ और अलग तरीके के क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन हम लोग देख लें, ये तो हो गए सब, और भी जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो हमें उन्हीं को सॉल्व करना है, इधर उधर समय नहीं बिताना है। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, कोई छात्र पाँच हजार पचास को पाँच सौ पचास इस प्रकार से लिखता है, इसका अर्थ है
कोई छात्र 5050 को 550 इस प्रकार से लिख देता है और वो कहता है 5050 मैंने लिख दिया, तो इसका अर्थ क्या है? आपको ऑप्शन इसमें दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन रहेगा स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, दूसरा ऑप्शन रहेगा संख्याओं का ज्ञान नहीं है, तीसरा ऑप्शन रहेगा गणित का ज्ञान नहीं है। और चौथा ऑप्शन रहेगा जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो चलिए देखिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा इसके लिए। कोई छात्र 5050 को 550 लिखता है, इसका अर्थ क्या है कि उसको क्या बात है, क्या परेशानी है, इनमें से आपको सॉल्व करना है, देखना है। स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है या संख्याओं का ज्ञान उसको नहीं है इसलिए उसने ऐसा लिख दिया, कि गणित का ही ज्ञान उसको नहीं है तब उसने ऐसा लिखा है, या जोड़ का उसको ज्ञान नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जोड़ का उसको ज्ञान नहीं है ये गलत है, गणित का ज्ञान नहीं है ये भी गलत है, संख्याओं का ज्ञान नहीं है ये भी गलत है, स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, उसको उसको ये नहीं पता है कि हजारवें स्थान पर क्या होगा, सौवें स्थान पर क्या होगा और इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए। तो जहां स्थान की बात आती है किस स्थान पर क्या होना चाहिए, वही है स्थानीय मान। तो यहां बात यह है कि स्थानीय मान की अवधारणा उसे स्पष्ट नहीं है, तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आप देखिए इसको बहुत ध्यान से गौर करिएगा, आप गलती ना करने पाए, इस तरह के भी प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं। और कभी कभी आपके परीक्षा में पूछता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, वो भी मैंने आपको समझाया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, 180 डिग्री। और ये भी उसमें ऑप्शन में ऐसे ही पूछ सकता है एक लाइन देकर। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमने लिया, क्वेश्चन नंबर 35 हम रेखागणित से लेते हैं। इस प्रकार की एक आकृति बनी हुई है और ये आपको दिया गया है 108 डिग्री। और ये एंगल भी दिया गया है, इस प्रकार से। और आपसे पूछा जा रहा है ए का मान बताना है आपको, ए का मान बताइए, ए की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए ध्यान देने की बात है, अभी मैं वही बता ही रहा था आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन, अभी मैंने जब इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया तो मैंने ओरली आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसी से संबंधित ये क्वेश्चन भी आपको मिल गया। चलिए देखिए इसमें एक त्रिभुज तो ये है ए बी और सी, वो है एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है ओ बी सी। तो देखिए त्रिभुज ओ बी सी में
आपको ये त्रिभुज है ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो त्रिभुज ओबीसी में आपको एंगल बी और एंगल सी आपको एक्स और वाई दिया है, और एंगल ओ जो है आपको दिया है 108 डिग्री। और त्रिभुज ओबीसी में आप जानते हैं, आप लिखेंगे कि ज्ञात है कि एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, आप जानते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, त्रिभुज ये है और इसके अंतःकोण एक दूसरा और ये तीसरा, तीनों अंतःकोणों का सम जो है 180 डिग्री होता है, तो आप ओ को लिख देंगे 108 डिग्री प्लस एंगल बी आपका कितना है, एंगल बी कितना है एक्स डिग्री, और एंगल सी जो है वाई डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इज इक्वल टू, एक्स और वाई ही उसमें दिया है, डिग्री नहीं दिया है, ऐसे ही दिया है, तो चलिए एक्स और वाई इज इक्वल टू 180 माइनस, ये जब पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस 108 डिग्री हो जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, सेवेंटी टू डिग्री, इक्वेशन नंबर वन आप ले लीजिए, इसको मान लीजिए। चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 डिग्री आपको मिल गया इस आपको ओबीसी से, ट्राइंगल ओबीसी से। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना है ए का मान कितना है, ए का एंगल कितना है। तो ए के एंगल के लिए आप क्या करेंगे, आप ए के एंगल के लिए, अब चलिए ए के एंगल के लिए, ए एंगल कहां है, ट्राइंगल एबीसी में। तो आप देखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में ये पूरा ट्राइंगल जब लिया जाए इस प्रकार से, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ये तो फॉर्मूला ही है, होता ही है, आप जानते हैं तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आप देख लीजिए कि एंगल बी, एंगल बी में देखिए, एंगल बी में दो हैं, एक ये और एक ये कितना x और ये x, दोनों का सम हो जाएगा तब ये एंगल आपको पूरा मिलेगा। तो एंगल a प्लस एंगल b में कितना है, x प्लस x, और प्लस एंगल c में कितना है, वहां भी y प्लस y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल a इज इक्वल टू, सॉरी, एंगल ए प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें दी गई है x प्लस y इज इक्वल टू 72 डिग्री इक्वेशन नंबर 1 से, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू 72 इन इक्वेशन नंबर 2। हम दूसरे समीकरण में, ये दूसरा समीकरण है, इसमें जो पहले समीकरण में x प्लस y इज इक्वल टू 72 हमें दिया गया है, जो निकाला हमने, इस वैल्यू को हम उसमें रख दें तो हो जाएगा इस प्रकार से, ये, और आप देखेंगे इससे जब यहां मल्टीप्लाई का साइन है, दो से इसमें गुणा करेंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 ना 4 और 2 7 14 है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस 142 डिग्री। तो एंगल ए इज इक्वल हो जाएगा, आप माइनस कर लीजिए, चलिए
यहाँ 10 में से 2 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 8, और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 3, और 1 में से 1 घटाएंगे कुछ नहीं तो 38 डिग्री आपका बचेगा। तो एंगल ए जो है हमें ज्ञात करना था, ए हो गया 38 डिग्री, ये आपकी वैल्यू निकल आई एंगल ए की, जो आप में फिगर जो बना था इसमें एंगल ए की वैल्यू आपकी निकल आई 38 डिग्री। अरे हम लोगों ने गलत कर दिया है भाई, हम लोगों ने मल्टीप्लाई गलत कर दिया, 2 2 4 होना चाहिए यहाँ, 2 2 4 और 144 हो जाएगा, 144 जब इसमें से हम माइनस करेंगे, 10 में से 4 जब घटाएंगे तो बचेगा 6, और यहाँ 7, 7 में से 4 घटाएंगे, ठीक अब सही है, 36 डिग्री होगा, सॉरी गलत हो गया था थोड़ा सा, यहाँ मिस्टेक हो गया मल्टीप्लाई करने में, चलिए कोई बात नहीं है, हो जाता है क्योंकि जल्दबाजी में, तो आ गया 36 डिग्री, 36 आंसर आ गया। हम अगला क्वेश्चन अब लेते हैं, अगला क्वेश्चन हम लेंगे थोड़ा वो भी इसी से रिलेटेड है, चलिए इसको हम मिटाएं पहले, सब तरह के क्वेश्चनों का इसमें समावेश किया गया है कि आपको सब तरह के क्वेश्चन मिल पाए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 10 सेमी त्रिज्या के 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, केंद्र से 6 सेमी की दूरी पर है, जीवा की लंबाई बताइए, जीवा की लंबाई क्या है आपको बताना है। चलिए जैसा कह रहा हम वैसा कर लें, पहले एक हम क्या करें, एक वृत्त बन गया और अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, जो कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी है, तो जीवा आप कहीं ले लें, मान लीजिए ये हमने ले लिया एक जीवा, इसकी ये जीवा है और क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कहां से, केंद्र से, केंद्र ये है, ये केंद्र ओ है, यहां से जो इसकी दूरी है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। देखिए त्रिज्या क्या होती है, यहां से एक साइड की दूरी त्रिज्या होगी, चाहे इधर चाहे यहां चाहे यहां चाहे कहीं भी, और वो सेम होगी, अगर इसको यहां तक ले आया जाए तो ये भी त्रिज्या हो जाएगी और ये भी 10 हो जाएगी, यहां से यहां भी 10 है और यह हर जगह, मतलब वृत्त के किसी भी पॉइंट पर केंद्र बिंदु से जो दूरी होगी वो कितनी होगी, त्रिज्या के बराबर होगी, वही त्रिज्या है, और व्यास क्या होता है, यहां से जो इस तरह से ले जाए हम एक रेखा जो क्या करे इस, ये तो इतनी तो ये त्रिज्या हो जाएगी और इधर भी त्रिज्या, दो त्रिज्याओं को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, व्यास। तो देखिए हमें तो यहां जो हमने आपको एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया कि कहीं आपको परीक्षा में कुछ अलग तरीके का मिल जाए क्वेश्चन तो भी आप समझ पाए। तो चलिए देखिए
हमें जो है, चलिए हम इसको कोई ऐसे नाम दे देते हैं ए और बी। तो हमारा फिगर बन गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वृत्त की जीवा जो है वो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है जीवा, और इसकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये साइड जो है इसकी 10 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें क्या बताना है, जीवा की लंबाई बतानी है। तो जीवा की लंबाई के लिए हम देखें, ये हमने लंब डाला है और यही जो है लंब क्या कर रहा है, जीवा को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जीवा का दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये आधा पार्ट हो गया जीवा का। अगर हमें ये पार्ट मालूम हो जाए तो इसी का दोगुना कर देंगे तो ये पूरा मालूम हो जाएगा। चलिए अब आप देख लीजिए जल्दी से, ये क्या है, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से ये कर्ण है, ये आधार है और ये लंब है, तो आधार का वर्ग मीन्स एबी, एबी का वर्ग इज इक्वल टू एओ का वर्ग माइनस ओबी का वर्ग। एओ का वर्ग मीन्स 10 का वर्ग माइनस 6 का वर्ग, और 10 का वर्ग का मतलब 100 माइनस 6 का वर्ग का मतलब 36 मतलब 64, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 64 मीन्स 8 सेंटीमीटर। और जब ए बी जो है 8 सेंटीमीटर आ गया, तो ये सी ए सी जो है क्या है, ए सी जो है एक जीवा है, तो ए सी जब जीवा है तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इंटू 2 मीन्स 8 × 2 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये आपका निकल आया ए सी जीवा, तो जीवा की लंबाई कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर हो गई। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हम प्रश्न लेंगे वो भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा, क्वेश्चन नंबर 36 अब हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 हम ले रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे जिसे 269 269 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे इतने में जोड़ने से पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है,
देखिए कह रहे हैं कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे इसमें जोड़ने पर, चाहे इसमें जोड़ने, हां तो वह संख्या क्या है जो इसमें जोड़े कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका जो है वर्गमूल आप निकालेंगे, पेयर बना लें, राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं, जोड़ा बना लेंगे तो ये हो जाएगा दो और ये अकेला बचेगा तो एक एक कम एक और एक यहां बचेगा और ये यहां प्लस फिर से हो जाएगा और ये हो जाएगा टू और यहां इसको हम उतार लेंगे, पेयर उतरता है, जोड़ा उतरता है। अब दो से हम देखेंगे कि इसमें कितनी बार जाएगा, लगभग आठ बार जा सकता है, तो आठ बार करें तो आठ अट्ठाई चौसठ का चार हासिल छः, आठ दूना सोलह और छः बाईस, तो ज्यादा हो जाएगा, सात बार हम ले जाएं, सात बार देख लें, सात सत्तावन चास का नौ हासिल चार और सात दूना चौदह और चार अठारह, तो 189 होना चाहिए लेकिन है यहां कितना 169। अंतर कितने का हो रहा है ये हमको करने के लिए नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा देंगे तो आएगा माइनस में, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, माइनस 20, मतलब इसमें 20 की कमी हो रही है। यही 20 अगर इसमें जोड़ दिया जाता तो हमारा ये पूर्ण वर्ग बन जाता। अब इसमें यही पूछ रहे हैं कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे 269 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी 20, जिसे हम इसमें अगर जोड़ देंगे, मतलब 269 में अगर 20 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 289, और जो 289 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। अब देख लें, अगर आप करना चाहते हैं इसे तो आप देख सकते हैं कि अगर 289 हो गया तो देख लें ये पेयर बना और ये 1 1 जा 1 और ये 1 प्लस 1 यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 1 बच के 189 आ गया। और अब 2 से देखें तो 2 7 7 57 49 और 7 2 14 4 18 पूरा ये कट गया और 17 हमारा वर्गमूल आ गया। तो हम देखते हैं कि इसमें 20 की कमी हो रही है, यही 20 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तो वह छोटी छोटी संख्या ऐड जो हमें करनी है, जो जोड़ना है वो 20 है, 20 अगर जोड़ दें तो इसमें पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है इस तरह का, देखिए कभी ये जोड़ने और कभी घटाने की भी बात आती है कि हम कितना इसमें से घटा दें, तो घटाने के लिए हम जो 7 बार ले गए थे उसको फिर 6 बार ले जाएंगे और जितना अंतर आएगा उसी को घटा देंगे जो बढ़ रहा होगा, यहाँ जो माइनस में आ रहा है वो प्लस में आएगा और उसी को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 37 हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, एक आयताकार पार्क पैंतालीस मीटर लंबा तथा तीस मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर दो दशमलव पांच मीटर चौड़ा एक रास्ता है,
रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक इसका हम फिगर बना लें कि क्या हो सकता है इसका, यह किस आकार का हो सकता है। तो चलिए देखिए, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। तो ये देखिए आयताकार पार्क हो गया 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा। ये एक आयताकार पार्क हो गया 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा। अब इसके बाद देखिए, 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो पार्क ये है, इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता हो गया। रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2.5 मीटर। दो दशमलव 5 मीटर इस प्रकार से है, यही मान लो रास्ता है। ये चलिए रास्ते का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। आपको ये जो रास्ता बना है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि ये कितना क्षेत्रफल का है ये जगह। तो चलिए रास्ते का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आप क्या करें, पहले तो आप इसको इसका क्षेत्रफल निकाल लें जो आपको दिया गया है, पार्क, पार्क का क्षेत्रफल या आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई मीन्स 45 गुणा 30 का मतलब हो गया 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 और 1 = 13 इतना मीटर स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गया पार्क का। पार्क कहाँ है? अंदर है। और रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल अब निकालेंगे हम। तो देखिए जब रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल होगा तो रास्ता सहित पार्क की लंबाई कितनी होगी? रास्ता सहित पार्क की लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई बराबर इसकी हो जाएगी, लंबाई वैसे कितनी थी 45 प्लस 2.5 इधर 2.5 इधर, ये चौड़ाई भी 2.5 है और ये भी 2.5 है, नोट है नीचे। तो 2.5 और 2.5 दोनों जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 45 प्लस 5 मीन्स 50 मीटर। इसी तरह से चौड़ाई कितना हो जाएगा? 30 था पहले, 30 × 2.5 × 2.5 क्योंकि ये भी 2.5 है और ये भी 2.5 है तो हो जाएगा 30 + 5 = 35 मीटर। चलिए अब लंबाई और चौड़ाई मिल गई तो रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल बराबर 50 × 35 = 0 और 5 × 5 = 25, 5 × 15 = 2 = 17 इतना मीटर स्क्वायर हो गया। रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल इतना हो गया और बिना रास्ते के जो है पार्क का क्षेत्रफल इतना था। तो अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे उसके लिए यहां लिख दें, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर
वही बात रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। देखिए हम आपको सिर्फ समझा इसलिए रहे इतना कि इतना आपको लिखना उखना तो है नहीं कहीं, लेकिन आप जानते रहें बस कि रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल कितना आया है 1750 मीटर स्क्वायर, और माइनस पार्क का क्षेत्रफल कितना आया था, पार्क का क्षेत्रफल जो था 1350 मीटर स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लीजिए, घटा दीजिए इसमें से, जीरो से जीरो घटाएंगे जीरो, फाइव में से फाइव घटाएंगे जीरो, और सेवन में से फाइव घटाएंगे सॉरी सेवन में से थ्री घटाएंगे तो फोर, वन में से वन घटाएंगे कुछ नहीं, तो इतना मीटर स्क्वायर जो है किसका हो जाएगा क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। यही आपको ज्ञात करना था क्वेश्चन में, रास्ते का क्षेत्रफल आप ज्ञात करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का एक प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो 400 मीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 हम लेंगे अब। एक त्रिभुज के कोणों में एक एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, तो त्रिभुज के कोण होंगे, त्रिभुज के कोण क्या होंगे ये आपको बताना है। देखिए हमने आपको समझाया था कि जब अनुपात में कुछ दिया हो और उसको एक्चुअल में मानना हो तो x से मल्टीप्लाई करके हम मान सकते हैं। बस वही यहाँ ध्यान देना है आपको कि एक त्रिभुज के कोणों को जो है अनुपात में दिया गया है, तो माना त्रिभुज के कोण हैं क्रमशः 2x, 3x तथा 4x। अब हम देखें, हमने आपको बताया था त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग है 180 डिग्री, और यहां पर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, तो 2x प्लस 3x यही कोण है और 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या करें 4 और 3 7, 7 और 2 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 9, 9 टू या 18 और 0 20 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 20 डिग्री, तो कोण क्या हो जाएंगे, कोण हो जाएंगे 2x मींस 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 डिग्री, और अगला है 3x, तो 3x इंटू 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और अगला है 4x और 4x तो 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 32 सॉरी 80 डिग्री, तो आप देखें कि 80 प्लस 60 और प्लस 40 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 60 इज इक्वल टू 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और यही होना चाहिए था। तो कोण जो हमारे हुए वो क्या हो गए,
कोण हुए 40 डिग्री कॉमा 60 डिग्री कॉमा 80 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये 38 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं दोनों को मिलाकर। एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत छोटा क्वेश्चन है, एक लाइन में है बस, उसके बाद हम अब विराम देंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है और आप भी ऊब जाएंगे। और इसमें जो दिया गया है करीब करीब मैंने सब तरह के क्वेश्चनों का समावेश कर दिया है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा अलग तरीके का है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, आंकड़ों 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23, 42 का परिसर आपको ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, परिसर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप इनको आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम में रखने का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इसको आरोही क्रम में रखेंगे। आरोही क्रम में हम इसको जब रखेंगे, सबसे छोटा पहले इसमें देखिए कौन सा है, 15, 23, फिर 23, 15, 23, 23, फिर 23, और उसके बाद 25, फिर उसके बाद 27, फिर उसके बाद 40 और 42, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए देख लेते हैं, हमें बताना है इसमें परिसर या परास। तो परिसर हमें बताना है, तो परिसर के लिए होगा सबसे बड़ा जो आपको आंकड़ा दिया गया हो और माइनस सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, 42, माइनस सबसे छोटा है 15। आप माइनस कर लीजिए, 2 में से 5 घटेगा नहीं, 12 कर लेंगे, 12 में से आप 5 जब घटाएंगे तो बचेगा 7, और 3 में से जब 1 घटाएंगे तो 2, 27 इसका परिसर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। और अगर इसमें बहुलक पूछ ले कि बहुलक क्या है, तो बहुलक वे हैं, बहुलक क्या है, बहुलक वह है जो इसमें बहुत बार आया हो, ज्यादा बार जो आया है। तो ज्यादा बार आपको क्या दिखाई दे रहा है, 23, तो 23 जो है इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। अगर 3 बार आया है तो, या 2 बार आया हो, कोई चीज जो अधिक बार आया हो, जिसकी आवृत्ति कई बार हुई, वही बहुलक हो जाएगा। तो हमने बहुलक और परिसर दोनों चीज आपको बता दिया, ये दोनों चीज आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 39 क्वेश्चन हो चुके हैं। और अब इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर अब आगे नहीं बढ़ाएंगे, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो रहा है और समय आपके पास कम है। आप इतना ही रिवीजन कर लें, बहुत है, और तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन पहले आप इतना रिवीजन करें, इतने में से ही लगभग आपको काफ़ी कुछ मदद मिल जाएगी। और हम कामना करेंगे कि आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, तब हमारी मेहनत सफल होगी। और हमारी आपकी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इसके द्वारा अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर पाएँ। तो हम चाहेंगे कि आप इसका रिवीजन करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, क्योंकि ये दो पार्ट में जो बना है दोनों बहुत पावरफुल पार्ट है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।